जो शरण में आता है तू भाग जगाता है, जो शरण में आता है तू भाग जगाता है। दो कोड़ी के गायक को लाखों दिलवाता है, दो कोड़ी के गायक को लाखों दिलवाता है। लोग आते हैं और हमसे कहते दो कौड़ी के लायक, दो कौड़ी के गायक सभी हो, हम तो दो कौड़ी के ही सही है। हम तो दो कौड़ी के ही सही है, तू दो कौड़ी के लायक नहीं है। हम तो दो कौड़ी के ही सही है, तू दो कौड़ी के लायक नहीं है। आइए तरुण जी सागर, बोलिए खाटू नरेश की। अगर कोई पूरा दिन ये जयकार लगाकर थक गया है तो वो ना बोले, अगर कोई पूरा दिन निशान यात्रा लेकर थक गया है तो वो ना बोले, लेकिन जिन पर बाबा की जितनी कृपा उतने हाथ खड़े कीजिए सीधे, जितनी कृपा जितनी। बोल खाटू नरेश की। पहली बार मुझे हाजिरी का अवसर मिला, धन्यवाद आपका, क्योंकि वहां से यहां आने में इतना वक्त लग जाएगा। आपकी व्यवस्था के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। एक कंपोजिशन बड़ी हिट हुई यहां, काफी टाइम से चल रही है, कंपोजिशन वही रहेगी। ये भाव मेरे अपने हैं, वो किसी और के हो सकते हैं, वो भाव जैसे ना 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 ना। मैं गरीब, मैं निर्धन, मैं सुदामा, मेरे भाव सुनिए क्या है। के मेरे बाबा इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समा, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साध ना भूखा ना। मैं तो नौकर सांवरिया तेरे चरण दबाऊंगा, जो जो नौकर है वो हाथ खड़े कीजिए सीधे। मैं तो नौकर सांवरिया तेरे चरण दबाऊंगा, मैं तो नौकर सांवरिया तेरे चरण दबाऊंगा, मैं तो नौकर सांवरिया, मैं तो नौकर सांवरिया तेरे चरण दबाऊंगा। अगर इस सांवरे सेठ के आगे कोई सेठ है तो वो मत बोलना, जो इसका नौकर है, जो इसका गुलाम है, मेरे बात बोलो। मैं तो नौकर सांवरिया तेरे चरण दबाऊंगा, मैं तो नौकर सांवरिया तेरे चरण दबाऊंगा, और औकात ही क्या मेरी जो इतिहास रचाऊंगा, औकात ही क्या मेरी इतिहास रचाऊंगा, औकात ही क्या मेरी जो इतिहास रचाऊंगा, औकात ही क्या मेरी
रचाने के लिए खाटू आया हो हाथ खड़े मत करना, जो इतिहास रचाने के लिए खाटू आया हो हाथ खड़े मत करना, जो इससे मांगने आए हैं दोनों हाथ खड़े कीजिए सीधे ऊपर और ताली बजा के बोले औकात ही क्या मेरी जो इतिहास रचाऊंगा, औकात ही क्या मेरी इतिहास रचाऊंगा, औकात ही क्या मेरी जो इतिहास रचाऊंगा। और कोई बात गलत लगती हो तो उसका विरोध कीजिए हमेशा। तेरी ज्योति जगानी है कीर्तन करवाना है, तेरी ज्योति जगानी है कीर्तन करवाना है, और तेरी ज्योति जगा करवाना है, जो मैंने कुर्ता पहना है कुर्ता ये पुराना है, जो मैंने कुर्ता पहना है कुर्ता ये पुराना है, जो मैंने कुर्ता पहना कुर्ता ये पुराना है, तेरी ज्योति जगानी कीर्तन करवाना है, जो मैंने कुर्ता पहना है कुर्ता ये पुराना है, कुर्ता पहना कुर्ता ये पुराना। किसको दिखाओगे नए कुर्ते, किसको दिखाओगे नए कुर्ते? कन्हैया के दरबार जब गए थे सुदामा तो तन पर एक लीर भी नहीं थी, एक कपड़ा भी नहीं था। ये गरीब के लिए बाहर आता है, गरीब के लिए। मैं बहन बेटियों से सिर्फ सिर्फ बहन बेटियां हाथ उठाएं, बहन बेटियां बस। मैं बहन बेटियों से भोग तेरा बनवाऊंगा, मैं बहन बेटियों से भोग तेरा बनवाऊंगा, औकात ही क्या मेरी जो इतिहास रचाऊंगा, औकात ही क्या मेरी, औकात ही क्या मेरी जो इतिहास रचाऊंगा, तुमने दुनिया ये जाना है, बलिदान तेरा बाबा कान्हा ने माना है, बलिदान तेरा बाबा कान्हा ने माना है, इतिहास रचा तुमने ये जगने जाना है, बलिदान तेरा बाबा कान्हा ने माना है।
बलिदान तेरा बाबा कान्हा ने माना है। अगली लाइन पे शोर मत मचाना, रिंगस मत आना, मैं खाटू आऊंगा। तू रिंगस मत आना, मैं खाटू आऊंगा। ये बताओ दिन में कौन कौन आया रिंगस से खाटू? दिन में कितनी धूप थी, धूप कितनी थी, धूप आपको शोभा देता है क्या? आपको लेने के लिए आपका बाप गर्मी में तपता हुआ जाए? शोभा देता है आपको? और सुनो, ये मान सम्मान कलाकारों का किया करो। और अरदास में बड़ी ताकत है मेरे भाई, जब कोई गायक किसी भगत की अरदास करता है तो वो सुनता जरूर है, वरना अरदासें ना होती। अगर अरदास सवा रुपया हो चाहे सवा लाख हो वो कबूल करता है, अगर वो कबूल ना करता तो आज इतने बड़े बड़े मंदिरों में इतनी भीड़ ना होती। अरदास किया करो। तू रिंगस मत आना, मैं खाटू आऊंगा। 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 औकात ही क्या मेरी जो इतिहास रचाऊंगा, औकात ही क्या मेरी इतिहास रचाऊंगा, औकात ही क्या मेरी इतिहास रचाऊंगा। चल रहा है तेरी रहमतों का दरिया, सरयाम में चल रहा है। ये तेरा खोटा सिक्का, ये तेरा खोटा सिक्का, सरयाम में चल रहा है। ये तेरा खोटा सिक्का, सरयाम में चल रहा है। मुझे कलाकार भाइयों की इनको समझ आएगा। मैंने जब खाटू आना शुरू किया, बोले भैया ये जो आप दरबारी भैरवी शिवरंजनी ये कोई सुनेगा नहीं यार। कोई बात नहीं, कोई सुने ना सुने ये तो सुनेगा। बोले आपको टाइम लगेगा। मैंने कहा मेरे पापा ने मुझे एक बात बताई है कि बेटा अच्छे काम में टाइम लगता है। कोई नहीं, ये तेरा खोटा सिक्का, सरयाम चल रहा है। ये तेरा खोटा सिक्का, सरयाम चल रहा है। बाबा शाम के भजन गाते हैं उनकी मौज लग जाती है, मौज हो जाती है मौज। मैं यही सुन के आया हूं, क्योंकि जो शरण में आता है तू भाग जगाता है, जो शरण में आता है तू भाग जगाता है, जो शरण में आता तू भाग जगाता है, शरण में आता है तू भाग जगाता है। और दो कोड़ी के गायक को लाखों दिलवाता है,
तो कोड़ी के गायक को लाखों दिल माता है। बंदा अपने मुंह से कह रहा है मुझे गाना नहीं आता, अपने मुंह से कह रहा है मुझे गाना नहीं आता। पैसे कितने लोगे? बोले इतने लाख। जो शरण में आता है तू भाग जगाता है, जो शरण में आता है तू भाग जगाता है, दो कोड़ी के गायक को लाखों दिलवाता है, दो कोड़ी के गायक को लाखों दिलवाता है। मैं नहीं, मुझे से पता नहीं कितने कितने बड़े करोड़पति सेठ खाटू की नगरी में नंगे पैर घूम रहे हैं। हम बॉडीगार्ड साथ लेके नहीं चलते, हम बॉडीगार्ड साथ लेके नहीं चलते क्योंकि हम पिटने वाले काम ही नहीं करते। जो शरण में आता तू भाग जगाता है, जो शरण में आता है तू भाग जगाता है, और दो कोड़ी के गायक को लाखों दिलवाता है, दो कोड़ी के गायक को लाखों दिलवाता है। ये मेरी बात है, मेरी सुनना। किसी सुरीले गायक को अपने घर पे बुलाऊंगा, किसी बढ़िया गायक से तेरा भजन कराऊंगा, औकात ही क्या मेरी जो इतिहास रचाऊंगा, औकात ही क्या मेरी इतिहास रचाऊंगा, औकात ही क्या मेरी जो इतिहास रचाऊंगा, औकात ही क्या मेरी इतिहास रचाऊंगा। मुझे किससे कहानियां बहुत आते हैं, मैं भी सुना दूंगा कहानियां झूठी झूठी, लेकिन मुझे गायक कलाकारों पर यह भी सोचना होता है कि वो अच्छी बात है, रमजान भाई का धन्यवाद कि मुझे आते ही गाने को मिल गया, लेकिन कोई और भी गाएगा, मैं अकेला थोड़ी गाने वाला हूं, और भी गाने वाले हैं। मेरे साथ मिलकर बोलिए, मैं तेरा नौकर सांवरिया, मुझे लगता है मालिक बैठे हुए हैं। मालिक यहां है कि यहां है? कहां है? मैं तेरा नौकर सांवरिया, कर सांवरिया मैं तेरा, तेरे चरण दबाऊंगा, तेरे चरण दबाऊंगा, औकात ही क्या मेरी जो इतिहास रचाऊंगा, औकात ही क्या मेरी इतिहास रचाऊंगा, औकात ही क्या मेरी जो इतिहास रचाऊंगा, औकात ही क्या मेरी बल खाटू नरेश की। बहुत बहुत आभार तरुण सागर जी का, आज पहली बार कला भवन में इनकी हाजिरी लगी है, और बाबा से यही प्रार्थना है कि आप ऐसे ही हमारे श्याम को रिझाते रहें, श्याम आपको सजाता रहेगा। बहुत सच्चे दरबार की। लोग कहते हैं कहीं बार बार जाने से इज्जत नहीं मिलती, लेकिन जहां इज्जत मिलती है दिल बार बार जाने को करता है। धन्यवाद। बहुत सच्चे दरबार की। चलिए ये राज
और देखिए अब कहीं जाना तो है नहीं, बैठिए आराम से, हाजिरी सबकी लगेगी। हाँ इधर भी हमारे मोहित और अजहर अली खाटू से सब यहीं पर हैं, कहीं किसी को जाना नहीं है, सब बैठ के बाबा को रिझाएंगे। आइए राज पारी और सच्चे दरबार की जय हो। विराजमान सभी सच्चे भक्त और सभी सच्चे कलाकारों से आज्ञा चाहते हुए, जैसा भी मेरे गुरुजी ने सिखाया है मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जाने अनजाने कोई शब्द गलत निकल जाए तो पहले ही माफ कर देना। आजकल जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे संगीत को प्रेम करते हैं, बड़ा डरने लगे हैं और बार बार पूछते हैं मुझसे कि अब आपका बॉलीवुड की तरफ रुझान बढ़ रहा है तो क्या आप खाटू आना छोड़ दोगे। मैंने कहा जी बुलाता वो है वो ही जाने, हाँ मेरे इरादे पक्के हैं कि जब तक शरीर में प्राण है हर ग्यारस यही होगी, ये सोचना मेरा काम है, बाकी बुलाना तो उसी के हाथ में है वो ही जाने। और उससे यही कहता हूँ कि बस तू बुलाता रहे, बाकी बड़ा बनना, तरक्की करना, बॉलीवुड में गाना, ये गाना वो गाना, ये सब मेरा काम मैं कर लूँगा धीरे धीरे। सच्चे दरबार की ये सब नहीं मांगता बाबा से। तो जो मुझे प्यार करते हैं मैं उनको समझाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ सभी के लिए, देखिए ये नई रचना है, आजकल तो फिल्मी धुनों पर रोक लग रही है धीरे धीरे, तो कुछ नई रचना सुनाने का प्रयास करेगा आगे से कलाकार आपको, तो आप भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि नई रचना इतनी जल्दी दिल दिमाग पे नहीं बैठती, बनी बनाई धुन तो समझ में आ जाती है। तो ऐसे ही आप सुनिए मैं क्या कहने का प्रयास करता हूँ कि हे प्रभु मैं कहता हूं कि हे प्रभु मेरे ख्याल को किसी आहट की आंसू रहती है, जब मैं तुझे सोचता हूं तो मुझे एक आहट सा महसूस तो होता है, वो क्या है प्रभु? मेरे ख्याल को किसी आहट की आंसू रहती है, इस निगाह को तेरी सूरत की प्यास रहती है। तेरा दिया हुआ सब कुछ है, दो वक्त का भोजन मिले इससे ज्यादा किसी की कोई कमाई होनी नहीं चाहिए, इसमें मस्त रहता है और भजन में ध्यान भी लगता है। सच्चे दरबार की तेरी कृपा से किसी चीज की कमी तो नहीं, ये जिंदगी उदास रहती है। तो आखिर खाटू आना जाना कैसे छूट सकता है, ये उनको समझा रहा हूं जो मुझे प्रेम करते हैं, और उन सब से मुझे प्रेम हो गया जिन्होंने ये मुझसे सवाल किया कि क्या अब खाटू आना आप कम कर दोगे या छोड़ दोगे, ये उन सब के लिए है। और ऐसे कैसे भूल जाऊं, ऐसे मन में समाए हुए हो हाँ ऐसे मन में
अरे आप सबको तो एक बार में याद हो गया, दिल दिमाग दोनों लगा रहे हो ना। मेरे मन में समाए हुए हो जो भूल जाने के काबिल नहीं है, और मैं उनको कैसे बताऊं, मैंने जो जख्म खाया है दिल पे वो दिखाने के काबिल, मैंने जो जख्म खाया है दिल पे वो दिखाने के काबिल नहीं है। जिसको तूने जिसको तूने नजर से पिलाया होश फिर उसको आया नहीं है। मैंने पहली बार कुछ लिखने का प्रयास किया है, ताली अभी नहीं, बाद में बजाइएगा, क्योंकि मेरा तो जो कुछ है मेरे गुरुजी से ही है, तो वो तालियां आपका आशीर्वाद जो भी होगा मेरे गुरुजी को समर्पित करूंगा सच्चे दरबार की। हाँ ठीक है, ऐसे मन में ऐसे रिदम तो यही कंट्रोलिंग में बजाइएगा प्लीज। ऐसे मन में समाए हुए हो, ऐसे मन में समाए हुए हो जो भूल जाने के काबिल नहीं है। ऐसे मन में माइक है माइक, मैंने मैंने जो जख्म खाया है दिल पे, मैंने जो जख्म खाया है दिल पे वो दिखाने के काबिल नहीं है। मैंने जो जख्म खाया है दिल पे वो दिखाने के काबिल नहीं है। और मैं कहीं और कैसे जाऊंगा, मन कैसे लगेगा। मैंने सब कुछ कहा है तुम्ही से, सारे दुख दर्द हरते तुम्ही हो, सारे दुख दर्द हरते तुम्ही हो, और ये तो तेरी ही कृपा हो सकती है। ये तो दृष्टि दया की तू करता, ये तो दृष्टि दया की तू करता, वरना हम इसके काबिल नहीं है। ये तो दृष्टि दया की तू करता, वरना हम इसके काबिल नहीं है। ये तो दृष्टि दया की तू करता, वरना हम इसके काबिल। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, जब से देखा है आंखों में कोई जचता नहीं है, और ये बड़ी छोटी जुबान है प्रभु, इस जुबान से कैसे कह दूं आपके लिए कुछ भी, लेकिन फिर भी कहूंगा, तेरे जैसा तो कोई नहीं है, तेरे जैसा तो कोई नहीं है, हम बताने के काबिल नहीं है। तेरे जैसा तो कोई नहीं है, हम बताने के काबिल नहीं है। जितना लगता तेरी आंखें हैं जैसे समंदर, जितना देखूं तुझे कम है लगता तेरी आंखें हैं जैसे समंदर, मेरी नजरें अभी तक है प्यासी, मेरी नजरें अभी तक है प्यासी, मैंने जी भर के देखा नहीं है। नजरें अभी तक है प्यासी, ओ मैंने जी भर के देखा नहीं है। और आखिर भक्त का एक क्या फर्ज बनता है, क्या वो कुछ मांगे और पूरा नहीं हो तो क्या दरबार बदल दे, भगवान बदल दे, खाटू आना छोड़ के किसी और दरबार जाने लग जाए। कमी तो हम में ही होती है, उनके पास तो सिर्फ हर बात के लिए तथास्तु ही है। आप कुछ भी मांगो हर चीज के लिए तथास्तु, अच्छा मांगो तो, बुरा मांगो तो, सच्चे दरबार की। कुछ भी हो जाए भक्ति का एक ही ये नियम है, कुछ भी हो जाए
पर हम ना बदले। भक्ति का एक ही तो नियम है, कुछ भी हो जाए पर हम ना बदले। लेकिन जिनको आप अपना आदर्श मानते हो, ये शाम जगत के भजन प्रवाहक, मैं भी और भी सारे कलाकार, हम तो ऐसे बदलने लगे हैं, हम तो ऐसे बदलने लगे हैं। सीना चौड़ा करके कह रहा हूं और नजर मिलाकर, और सबसे कहूंगा, हम तो ऐसे बदलने लगे हैं, हम तो ऐसे बदलने लगे हैं। आज तक कोई बदला नहीं है, हम तो ऐसे बदलने लगे हैं, आज तक कोई बदला नहीं है। और जब से हम बदले, हमारा भाईचारा खत्म हुआ। हाँ, खत्म हुआ। जब से हम बदले, तब से कोई भी आता है, कुछ भी कह के चला जाता है। जैसे लोग आते हैं और हमसे कहते, लोग आते और हमसे कहते, यही जगह, यही स्थान, यही लोग, यही कलाकार, यही सब मंडल वाले। लोग आते हैं और हमसे कहते, दो कौड़ी के गायक सभी हो। लोग आते हैं और हमसे कहते, दो कौड़ी के गायक सभी हो। और हम पीछे खड़े होके ठहाके मारते, तालियां बजाते, वाह वाह वाह। शाम प्रेमियों, कमाल ही कर दिया आप सबने, तो क्या भक्ति निभाई है। ऐसे तो बाहर जाओगे तो कहोगे फोटो खिंचवा लें आपके साथ, कलाकारों के साथ, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपका तो कोई जवाब नहीं। आपके भजन हम दिन रात सुनते हैं, हमारे घर में आपके भजन चलते हैं। और यहाँ खड़े होके कोई गैर आकर बुराई कर रहा है और दो कोड़ी का बता रहा है, और आप सब ठहाके मार रहे हो, ताली बजा रहे हो, वाह जी वाह, क्या बात है। लोग आते हैं और हमसे कहते, दो कोड़ी के गायक सभी हो। लोग आते हैं और हम, शांति 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 प्लीज। प्रमोद भाई, आपने शायद फेसबुक पे सुना है, एक्चुअल में जिन्होंने भी इस बात को इतना ऊंचा किया वो समझ ही नहीं पाए कि कहने वाले ने क्या कहा। कहने वाले ने ये कहा जो कि हम रोज कहते हैं। कलाकार कौन है? बॉलीवुड में चाय बेचने वाला जो है ना, हमसे ज्यादा सुरीला है। कहने वाले ने यह कहा कि श्याम की शरण में आजा, मौज करेगा। श्याम की शरण में आएगा तो मौज करेगा। दो कौड़ी के हम जैसे गाने वाले को लाखों देता है ये दुनिया। ये उसके भाव ये थे कि दो कौड़ी का अपने आप को बोला। और हम रोज कहते हैं, हम रोज कहते हैं इस बात को कि अगर ये नहीं होता ना, तो हो सकता है कि ट्रेन में जो 5-5, 10-10 रुपए भीख मांगते हैं ना, उसकी ढपली बजाकर वो हमसे ज्यादा सुरीला गाते हैं और शायद हमको वहां पर रहना पड़ता हो। ऐसी ऐसी बात नहीं है, ये मिसकंसेप्ट किया गया है, ये गलत समझाया गया है। ठीक है, मैंने जो समझा मैं उसी के लिए बोलूंगा, जिसने जो समझा, सबके अपने अपने विचार है। नहीं, यहाँ तो नहीं, तो इतने स्वतंत्र हैं सभी। नहीं, प्रमोद जी, ऐसा है कि आप अगर कोई चीज को देखिए, मुझे लगा इसमें सबकी बेइज्जती है। नहीं, मुझे मैं आपको क्लियर कर दूं, तो मैं बोल रहा हूं, मैं आपको क्लियर कर दूं। आप लाइव सुनिएगा, आप डी लाइव है, अरदास भक्ति पे डी लाइव है, वो उन दो लाइनों को सुनिएगा कि कहने वाले ने क्या कहा है। और दो कौड़ी की बात हम अपने लिए बोल रहे हैं, दो कौड़ी की बात हम अपने लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दो कौड़ी का किसी और को बोला गया। वही मैं भी कह रहा हूं, आप सुनिए। लोग आते हैं और हमसे कहते, दो कौड़ी के लायक, दो कौड़ी के गायक सभी हो। हम तो दो कौड़ी के ही सही हैं, हम तो
हम तो दो कौड़ी के ही सही हैं, तू दो कौड़ी के लायक नहीं है। हम तो दो कौड़ी के ही सही हैं, तू दो कौड़ी के लायक नहीं है। और इसमें किसी की कोई गलती नहीं, गलती अपनी है। और सुन लो, अब मैं निवेदन करूंगा कि मेरे भजन के बीच में कोई ना बोले, कृपया करके प्लीज मुझे भजन खत्म करने दीजिए। ये सवाल खुद से करना है, फिर से सोचो, रखो हाथ दिल पे, नजर बाबा से अपनी मिला लो। फिर से सोचो, रखो हाथ दिल पे, नजरें बाबा से अपनी मिला लो। पूछ लो तुम, देख लो तुम, पूछ लो देख लो, घूम कर तुम यहाँ पे, पूछ लो घूम कर तुम यहाँ पे, क्या भाईचारा अभी भी वही है। पूछ लो घूम कर अब यहाँ पे, क्या भाईचारा अभी भी वही है। ये सवाल अपनों पर ही है, हम ही दिन रात फेसबुक पे लड़ते हैं और फिर कहते हैं हमारा मतलब ऐसा नहीं था, हमारा मतलब ऐसा था। नहीं, आप फेसबुक पे मत लड़ो, जिनको भी लड़ना है आप सामने से लड़ो। आप भी तो बता रहे हो कि तू दो दो तू दो कौड़ी के लायक नहीं है, तो सुनो ना। आप भी तो बोल रहे हो कि तू दो कौड़ी के लायक क्यों बोल रहा हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ आप सुनिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता। देखिये, पिछले बार मैं नहीं था, एक्सक्यूज मी, पिछले बार मैं यहाँ पर नहीं था, एट दैट टाइम मैं पिछले बार नहीं था, लेकिन मैं नहीं समझता कि इन सब चीजों का स्थान खाटू धाम के अंदर में है। मैं नहीं समझता, प्लीज। और जो बात पिछले महीने हो गई, अगर वो बात एक बार हो गई तो मैं नहीं समझता कि उसको फिर और लंबा चौड़ा करके हर महीने उसके ऊपर में कोई भी आए और उसी चीज को लेकर कंटिन्यू रखे, प्लीज। खत्म हो जाएगी ना, अब कोई टिप्पणी तो करेगा नहीं मेरी बात पे। आज से खत्म हो जाए बात तो हम समझेंगे कि हाँ बहुत अच्छी बात है। किसी ने कहा मुझे जो लगा मैंने बोला, जिसको जो लगा सबने बोला, सबको आजादी है। शाम जगत से ज्यादा तो स्वतंत्रता कहीं है ही नहीं। आप जिसको मन करे, जो मन करे, सब बोलो, सब आजाद हो। एक मेरी तरफ से मैंने कुछ गलत बोला नहीं है, जो मुझे अच्छा लगता है मैंने बोला, तो मैं किसी भी शब्द के लिए माफी नहीं मांगने वाला हूँ। इतनी हाजिरी स्वीकार करें और जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे ही रोजी रोटी चल रही है और शाम जगत के लिए तो एक शब्द किसी से भी कभी भी नहीं सुन सकता, चाहे कोई छोटा हो और चाहे कोई बड़ा हो, प्लीज। क्योंकि आज जहां भी मैं हूं, जहां भी स्टैंड कर रहा हूं, ये मैं माइक पकड़ने की औकात है मेरी, तो ये शाम जगत ना होता तो यहां तक तो मैं नहीं आता। तो ये सारी बात शाम जगत के लिए है, कोई बात नहीं, आप सब मेरे साथ नहीं, मैं अकेला लड़ लूंगा, लेकिन किसी को भी बोलने नहीं दूंगा। जय राम जी की। प्रमोद जी त्रिपाठी का बहुत बहुत आभार। अब आपके सामने निशा गोविंद। एक बात मेरे मन में है, सोच रहा था बोलूं कि नहीं बोलूं। मारवाड़ी घरों में, हमारे घरों में हमने देखा है, भाई ओ भाई बैठ बैठ जा बेटा, मारवाड़ी घरों में हमने देखा है हल्का देवरानी जेठानी में कितनी भी अनबन हो आपस में, जब कोई तीसरा बाहर से आता है ना तो वो देवरानी जेठानी एक हो जाती है। कितनी भी आपस में अनबन हो, लेकिन जब बाहर से कुछ भी आता है, कोई देवरानी को कुछ बोल रहा है, जेठानी खड़ी हो जाती है,
कोई जेठानी को कुछ बोल रहा है, देवरानी खड़ी हो जाती है। लेकिन आज कुछ खला मन में, कोई मैं बुराई नहीं करता, हमारे बड़े भैया बहुत अच्छा गाकर गए, लेकिन मेरे मन में है, देखो मन की बात बोल देनी चाहिए, कोई भी कैसा भी हो, क्या भी गा रहा हो, लेकिन अगर बाबा के भजन गा रहा है तो श्याम प्रेमी है। और तरीके से देखा जाए तो दो कौड़ी के तो हम में से जितने भी है सारे के सारे दो कौड़ी के हैं फिर। लेकिन भाई साहब दूसरा पहलू इसका यह भी है कि गायक अगर दो कौड़ी का हो भी हो, गायक होने के पहले प्रेमी है, और प्रेमी दो कौड़ी का कभी नहीं हो सकता। देवरानी एक सेकंड, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, दो मिनट बाद मैं चढ़ाऊंगा उसे, ठीक है। देवरानी जेठानी में कितना भी झगड़ा हो, बाहर वाले को उसका मजा लेने के अवसर मत दिया करो। हमारा आपस में जो भी हो, हम आपस में सुलझाएंगे ना, आपस में बात करेंगे, लेकिन कोई आकर आपको दो कौड़ी का बता जाए, आपके भाई को दो कौड़ी का बता जाए और आप तालियां पीटो, ये तो घर में फूट वाली बात है। नहीं, मैं निवेदन, हमारे तरुण भाई भी हमारे भाई है, और हम तो कहते हैं कोई एक बार आता है बाहर का रंग लेकर, उसके बाद श्याम प्रेमी का रंग लेके जाता है यहाँ से। तो तरुण भाई से भी निवेदन है कि आप भी यहाँ पर आए हो, आप भी श्याम प्रेमी बनकर जाओगे, और किसी भी भाई की कोई भी बात लगे तो आपस में कहोगे दो कौड़ी का कोई भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सब श्याम प्रेमी है, और श्याम प्रेमी अनमोल होता है, दो कौड़ी का नहीं होता है।